हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीआई ट्रांसपिरेशन के साथ डील करता है। और ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन की हम बात करें तो दैट्स कमिंग इन प्लांट फिजियोलॉजी। सो अगेन वी आर डीलिंग विद प्लांट फिजियोलॉजी एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड हियर द टॉपिक इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्रांसपिरेशन किसको कहते हैं हम? ठीक है, ट्रांसपायरेशन लिख लो इसको भाई। तो इसमें क्या है, ट्रांसपायरेशन है क्या चीज़ जो पहली बार इस चीज़ को सुन रहे हैं? ट्रांसपायर मीन्स लूजिंग वाटर। सिंपल टर्मिनोलॉजी में हम ये कह सकते हैं जस्ट लूजिंग वाटर फ्रॉम प्लांट, दैट्स व्हाट इट इज़। लेकिन इसको अगर टेक्निकली देखा जाए, इट्स लूजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन वेपर स्टेट। जी हाँ, इसको आप इसमें ध्यान दीजिए। तो बेसिकली इट इज़ लूजिंग ऑफ वाटर, हम ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वाटर लॉस होता है प्लांट से। एरियल जो सरफेस है इसकी, मोस्टली जो लीव्स के द्वारा होता है, एरियल सरफेस मीन्स रूट में ये नहीं होता है। थर्ड क्या है, ये वेपर स्टेट में लूज होता है वाटर। ठीक है, वेपर स्टेट। अभी हमें ध्यान दे दो, वेपर स्टेट मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर लिक्विड स्टेट में कहेंगे तो दैट्स कॉल्ड गटेशन, जिसको हम अलग एक टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वेपर को ज़रूरी लिखना है, बिकॉज वाटर इज गोइंग कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू वाटर स्टेट, वेपर स्टेट, देन इट इज लूज्ड बाय प्लांट। अगर हम इसको वाटर के ही उसी शक्ल में इसको लूज करते हैं, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड गटेशन। अब ट्रांसपिरेशन है क्या चीज़? बेसिकली दिस सिंपली लूजिंग वाटर, जो लॉस करता है एक प्लांट, वाटर लॉस करता है थ्रू एरियल पार्ट्स, जिसमें शूट आ सकता है, लीफ, इवन के फ्लावर और बाकी स्टेम, जितने भी स्ट्रक्चर्स है शूट कॉम्प्लेक्सेस में, तो उसको हम ट्रांसपिरेशन कह सकते हैं। ये रूट में नहीं होता है और यहाँ पे वेपर स्टेट में वाटर लॉस हो जाता है। अब हम इसको वेपराइजेशन भी कह सकते थे, फिर इसको क्यों ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं? जी हाँ, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। वेपराइजेशन इसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो वेपराइजेशन जो होता है उसमें देखिए क्या होता है, वेपर में सीधे वाटर, जो लिक्विड स्टेट में वाटर था, वो दैट गोज टू बी कन्वर्टेड इन टूवर्ड्स कॉल्ड स्टीम और वेपर, और वेपर्स में वाटर लॉस होता है। ये भी सेम ही है, ये भी वेपराइजेशन है, बट यहाँ पे डिफरेंस है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। सबसे पहला डिफरेंस क्या है भाई, ये तो इंटरनल विद इन, यानी इंटरनली प्रोड्यूस्ड इन प्लांट। तो अगर हम वेपर की बात करें, वो बाहर, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की जो फिनोमेना होता है, दैट इज इट इज़ इंटरनल फिनोमेना विद इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर का जो फिनोमेना होता है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू दैट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन बिल्कुल खुले में होता है। सेकेंड क्या है, इट इज़ कंट्रोल बाई प्लांट फैक्टर्स। यहाँ पे प्लांट फैक्टर्स है, यानी अगर हम वेपर की बात करते हैं, दैट इज़ अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस, वहाँ पे कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पे प्लांट का जेनेटिक्स, प्लांट का एडेप्टेशन, प्लांट का टाइप, प्लांट का जो टोपोग्राफी है, कहाँ पे ये प्लांट है, इसकी मैं कह सकता हूँ अल्टीट्यूड कहाँ पे है, लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट की कहाँ है, ये प्लांट के डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो दैट्स वाई इट्स नॉट वेपराइजेशन। सेकेंड, थर्ड क्या है, ये वाटर तब भी लॉस होगा इवन इफ आउटसाइड एटमॉस्फेयर इज सैचुरेटेड। अगर बाहर का जो सैचुरेटेड, यानी अगर बाहर का जो इलाका है, प्लांट के बाहर का जो इलाका है, अगर वो सैचुरेटेड है, तब वेपराइजेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन यहाँ पे तब भी ट्रांसपिरेशन होता है। तो इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन दैट टू सम एक्सटेंट। फोर्थ ये है कि इट इज़ कंट्रोल्ड बाई लाइट, और लाइट का कंट्रोल वेपराइजेशन पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल इसका है। इसके अलावा है बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे अन्य फैक्टर्स है, बहुत सारे मैं कह सकता हूँ इतने मात्रा में कि 10-12 आर इवन के 15-12 फैक्टर्स आर दियर जो इसको कंट्रोल करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन। अब मैं आपको एक बात कहूँ, ट्रांसपिरेशन के द्वारा कितना वाटर लॉस होता है? जी हाँ, इट इज़ लगभग 98%, 99%, मीन्स जो भी प्लांट ने अपने आप में वाटर अंदर लिया है,
99% उसका ट्रांसपिरेशन थ्रू लॉस हो जाता है। तो फिर क्यों होता है ट्रांसपिरेशन भाई? बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड, जो मैं बाद में कहूँगा, अनअवॉइडेबल इविल। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन मैं क्या ये कह सकता हूँ, इससे काइंड ऑफ अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें इसके एनिमल के साथ, तो ये एक तरह का वेस्कुलर सिस्टम है। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, हार्ट पंप करता है ब्लड वेसल से, वेन हो, चाहे आर्टरी हो या वेन हो, जो आर्टरीज होते हैं, वेन होते हैं, उनके थ्रू ब्लड वेसल्स में क्लोज्ड सिस्टम होता है, पंप होता है ब्लड, दैट्स थ्रू हार्ट एक्टिविटी, पंपिंग एक्टिविटी। प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी प्लांट ने अपने अंदर वाटर लिया है, अब ये प्लांट क्या करेगा, अगर ये ट्रांसपिरेशन नहीं करता तो क्या होगा, वाटर इसके अंदर गया, ये सैचुरेटेड है, मिनरल जो थे वो भी अंदर आ गए प्लांट में। अब प्लांट को और मिनरल चाहिए, वो कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, क्योंकि वाटर तो अंदर आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेटेड प्लांट है। तो अगर प्लांट ये करता है कि थ्रू ट्रांसपिरेशन पूरा वाटर बाहर धकेल देता है, नया वाटर अंदर से रूट से, रूट के माध्यम से एब्जॉर्प्शन के थ्रू अंदर आ जाएगा। तो जब नया वाटर अंदर आ जाएगा तो दैट विल टेक अलॉन्ग विद इटसेल्फ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो भी है सॉइल में। तो मतलब एक तरह का साइकिल है, वाटर ले लो इसको बाहर फेंको, वाटर ले लो फिर बाहर फेंको, एक साइकिल, एक फिनोमेना है, एक तरह का सर्कुलेशन है, जिसके द्वारा मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रंट्स या वाटर, इवन की वाटर जो बहुत ही अच्छा वाटर होता है, और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं सॉइल के, वो प्लांट के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए इट एक्ट्स एज अ पंप, जो ट्रांसपिरेशन है इट एक्ट्स एज अ पंप लाइक हार्ट एंड एनिमल्स, ये हम इसके साथ तुलना में ला सकते हैं। अब कहाँ से होता है ट्रांसपिरेशन? देखिए, ट्रांसपिरेशन के बहुत से सारे तरीके हैं। मैं ये कह सकता हूँ 92-97% जो ट्रांसपिरेशन होता है वो लीव्स के द्वारा होता है, लीव्स के थ्रू होता है, दैट्स कॉल्ड फोलियर ट्रांसपिरेशन। सो वी हैव फोलियर ट्रांसपिरेशन, दिस इज फोलियर ट्रांसपिरेशन, मतलब जो कहाँ से होता है, लीव से, फोलियर मीन्स लीव्स। ठीक है, इट कैन बी, मैं ये कह सकता हूँ मान लीजिए 97% की हिसाब से अगर ओवरऑल करें 97 ये, और जो या 90% हम कह सकते हैं इसको 90%, तो जो 10% है दैट्स थ्रू क्यूटिकल, उसको हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सो वी हैव अनदर क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये 10%, तो लेकिन मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है दैट इज थ्रू लीव्स, क्योंकि स्पेशलाइज्ड इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टोमेटा, उनके द्वारा ये होता है। नाउ अब हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होते हैं, यानी ट्रांसपिरेशन के जो टाइप्स होते हैं वो अगर इनको देखें किस किस तरह के हो सकता है। एक तो सीधी सी बात है कि क्यूटिकुलर हो सकता है, या ये जो मैंने कहा स्टोमेटल। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपिरेशन कैन बी थ्रू स्टोमेटा, हम ये ऐसे लिख सकते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटल कितना हो सकता है, दिस कैन बी मान लीजिए 90-97% इस तरह हम कह सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर बाकी अन्य जो इसमें पाथवेज है वो भी लेते हैं, देन वी हैव, या इसको अगर हम कंपेयर के हिसाब से देखें बाकी उनके साथ, तो दिस इज 50-97%। देन वी हैव क्यूटिक्यूलर, इट इज 3-10%, इस ये भी हो सकता है। इवन की देन वी हैव बार्क ट्रांसपिरेशन, बार्क के थ्रू होता है, दैट सिंपली 0.5। देन वी हैव लेंटिक्यूलर, यानी लेंटिक्यूलर क्या होता है, जो स्टेम में मैंने बताया था, स्टेम स्ट्रक्चर में लेंटिसल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं एपिडर्मस में, उनके थ्रू ये हो सकता है लेंटिक्यूलर, दैट्स लाइकली 5% या 1%, इस तरह हम कह सकते हैं, बहुत ही कम। मान लीजिए जो लेंटिकुलर है दैट्स बहुत, 1% भी नहीं ले सकते हैं, इन पॉइंट्स, इवन की पॉइंट्स भी कह सकते हैं, 0.1 कह सकते हैं या 1, तो मिलना चाहिए। ओवरऑल अगर देखें तो कहाँ से होता है ट्रांसपिरेशन, दैट्स थ्रू स्टोमेटा। इवन की जो स्टोमेटा हमें हमारे होते हैं क्यूटिकल्स के थ्रू, जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल कहाँ पे है,
भाई जी, मैंने एपिडर्मस बताया, स्टेम में एपिडर्मस में हमारा क्यूटिकल भी होगा, ये क्यूटिकल क्यूटिकुलर लेयर, इसके थ्रू ट्रांसपेरेंट हो सकता है। फिर मैंने कहा स्टोमेटल, स्टेम स्टोमेटा होते हैं, स्टेम स्टोमेटा दैट इज थ्रू दो स्टोमेटाज, इवन कि इट कैन बी थ्रू लेंटिसल्स, तो वहाँ के से भी हो सकता है, एंड थ्रू जनरल बार्क जो डेड सेल्स होते हैं उसके थ्रू भी हो सकता है। बहुत सारे इसमें टाइप्स है, बट ओवरऑल हम देखें हम क्या रील कर रहे हैं, दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपरेशन, जो लीफ के थ्रू होता है ट्रांसपरेशन, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर अब ट्रांसपरेशन की बात करें, अगर लीव्स को भी देखें वो भी करते हैं, इवन कि जो फ्लावर होते हैं उसमें भी कुछ पोर्स होते हैं, वहाँ से भी हो सकता है वाटर लॉस, बट ओवरऑल जब हम ट्रांसपरेशन की बात करते हैं दैट्स स्टोमेटा, एंड दैट्स वी आर डीलिंग विद लीव्स। लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वही हम ट्रांसपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, उसी का मैकेनिज्म एंड डिफरेंट थिंग्स टुगेदर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊँ, एक ट्रांसपरेशन एक प्लांट करता है, ट्रांसपरेशन करने से क्या होता है, एक ड्राई मैटर जो है वो गेन होता है, यानी बिल्डिंग अप ड्राई मैटर हो सकता है। तो एक प्लांट ने कितना ड्राई मैटर बनाया उसके लिए उसने कितना ट्रांसपरेशन किया, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपरेशनल रेशो। तो बेसिकली ट्रांसपरेशनल रेशो क्या है भाई, अगर इसको हम देखें, ट्रांसपरेशन रेशो या वाटर रिक्वायरमेंट कहें, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपरेशन कहें, वो देखना है हमें कि इसको हाउ मच ट्रांसपरेशन इस एक प्लांट को करना पड़ा, हाउ मच ऑफ ट्रांसपरेशन, ट्रांसपरेशन में लिखूं, एक प्लांट को कितना करना पड़ा ताकि इसने एक यूनिट ऑफ ड्राई मैटर, एक यूनिट ऑफ ड्राई मैटर बनाया। ठीक है, टू बिल्ड वन मीटर, वन यूनिट ऑफ ड्राई मैटर, एक यूनिट ड्राई मैटर के लिए इसने कितना ट्रांसपरेशन किया, दैट्स ट्रांसपरेशनल रेशियो, वाटर रिक्वायरमेंट, या ओवरऑल हम ये कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपरेशन। तो ये हमारा इसमें जो मैंने बताए, ये हमारे इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ट्रांसपरेशन में। अब ट्रांसपरेशन को हम अगर देखते हैं तो ये कैसे इसको मेजर करते हैं, ट्रांसपरेशन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज पोटोमीटर। तो इसको भी यहाँ पे आप जान लीजिए, पोटोमीटर क्या होता है, ये एक्चुअली क्या मेजर करता है, इट एक्चुअली मेजर्स वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ इसको मेजर करता है, दैट इज रफली इक्वल टू ट्रांसपरेशन, जितना वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उतना ट्रांसपरेशन भी हो जाएगा। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन को मेजर करता है दैट पोटोमीटर, एंड दैट्स लाइकली रफली इक्वल टू ट्रांसपरेशन। तो ये एक्चुअली ट्रांसपरेशन मेजर करता है, कितना ट्रांसपरेशन प्लांट में हुआ है मेजर बाय पोटोमीटर। वी हैव अनदर इंस्ट्रूमेंट दैट्स कॉल्ड पोरोमीटर। पोरोमीटर क्या होता है, पोरोमीटर, पोर मीन्स पोरोमीटर, ये हम स्टोमेटा में भी पढ़ेंगे। तो ये स्टोमेटा के ओपनिंग को मेजर करता है, कितना वाइड हुआ, कितना क्लोज हुआ, और स्टोमेटा में जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उसका पोर का साइज कितना बना, एंड देयर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स, वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट फ्रॉम आउट डेटा, तो दिस इज पोरोमीटर। हमारे पास एक मेथड है ट्रांसपरेशन को मेजर करने के लिए, एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड यू नो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट क्या है, सिंपल इसको यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, तो वी हैव कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। भाई किसके लिए है, ट्रांसपरेशन को देखने के लिए कि वाकई में हो रहा है ट्रांसपरेशन। ठीक है, तो इस अल्ट्रासाउंड हाइग्रोमेट्रिक मेथड, हाइग्रोमेट्रिक मेथड, देखो मैं आपको ये बता दूं क्या है, ये जो एक कोबाल्ट क्लोराइड होता है, हम 3-5% ऑफ 3-5% ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड का एक सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, एक सॉल्यूशन ले लेंगे, उसमें एक पेपर को हमें डिप करना है, तो पेपर में चढ़ाएंगे ये कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम किस चीज़ का ले लें, तो इसमें यही होता है कि फिल्टर पेपर हम ले लें, इसको ये भी लिख सकते हैं, सिटाल ने इसको इसका बताया 1894, सेम डेट एज दैट ऑफ ट्रांसपरेशन पूल थ्योरी। ठीक है, इसको याद रखें, तो ये जो पेपर होता है फिल्टर पेपर,
ये कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन में, कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उसको इसमें डिप करते हैं इस पेपर को, तो इसमें चढ़ना लगेगा। दिस विल बी, तो इसमें जब पूरा ये सॉल्यूशन चढ़ेगा पेपर पे, इसको हम ड्राई करते हैं, ठीक है। ये ड्राई करते हैं, ये ड्राई क्या होता है, इन ड्राई इट इज़ ब्लू, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पेपर को हम, ये हमारे पास लीफ है, दिस इज लीफ, एक लिविंग लीफ है जो प्लांट के साथ अटैच्ड है, इसको पेपर के इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ऊपर से हम इसको टैप करेंगे, सील करेंगे किसी भी टैप से, ट्रांसपेरेंट टैप से, ताकि जो बाहर की नमी है एनवायरनमेंट में, जो बाहर की ह्यूमिडिटी है, वो इसमें ना लग जाए कहीं से। जैसे मैंने कहा ड्राई, ये जब पेपर ड्राई होता है इट इज़ ब्लू, जब ये वेट हो जाता है ये इटर्नस पिंक। जब ये पेपर ड्राई, पेपर कोबाल्ट क्लोराइड का ड्राई पेपर जो होता है दैट इज ब्लू, व्हेन इट टर्न्स वेट, ये जब पिंक टर्न हो जाता है, ये उस समय होता है जब ये वेट होता है। तो हमने क्या किया, फिल्टर पेपर को डिप किया है 3.5% कोबाल्ट क्लोराइड एंड ड्राइड, ये ब्लू हो गया, ठीक है। अब इसको हम लीफ के ऊपर रखते हैं, देन उसको हम ट्रांसपेरेंट टैप से बंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें कोई वो दिमाग लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक लीफ है हमारे पास, दिस इज लीफ एंड दिस इज पेपर, ये हमने यहाँ से पेपर लाया, इसको पेपर को कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप किया, इसको फिर ड्राई किया, हमने ड्राई किया तो इट इज ब्लू। अब इसका कलर जो है दैट इज ब्लू, सीधी सी बात, ठीक है। अब हम कहीं से ऐसा ना हो कि बाहर से पानी आ जाएगा, वो इसमें लग जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि पानी कहाँ से आया, तो हम इसको बाहर से टैब डालते हैं, ट्रांसपेरेंट टैब डालते हैं, ताकि बाहर का जो पानी उस पर अटैक ना करे, जो ह्यूमिडिटी होती है एयर में वो अटैक ना करे। कुछ समय के बाद ये इट टर्न्स पिंक, ये पिंक हो गया है, पिंक हो जाता है, दैट मीन्स इसमें वाटर आ गया, ये वेट हो गया। तो ये कहाँ से वेट हो गया, बाहर से तो हमने इसको बंद किया है, ये इसलिए वेट हुआ जो लीफ था नीचे से, जो लीफ है दैट लीफ, उस लीफ ने ट्रांसपिरेशन किया, ठीक है, सॉरी। तो दैट लीफ हैज ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो ये पेपर हमारे पास ड्राई पेपर था, ये बिकॉज ऑफ इट्स वेटनेस पिंक हुआ। अब पानी कहाँ से आया, पानी डेफिनेटली केम फ्रॉम लीफ, तो इसका मतलब लीफ से वाटर लूज हो जाता है, दैट्स प्रूफ ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज कि सूटोमेटल फ्रीक्वेंसी, वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास इंपॉर्टेंट यही है कि ट्रांसपिरेशन के जो फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, सो वी आर टेकिंग दोज फैक्टर्स, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन में बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे लाइट है हमारा, हमारा ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, और हाइड्रेशन ऑफ प्लांट, इसमें कितना हाइड्रेशन है, गैसेस का भी इसमें असर रहता है। वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, ये हम यहां पे ले लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन से हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, इन शॉर्ट मैंने लिखा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है, इसको आप ध्यान दीजिए, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रांसपिरेशन को, वो कौन से फैक्टर्स है। सो डेफिनेटली सबसे पहले वी हैव लाइट। देखिए अगर लाइट, डिफरेंट लाइट फिनोमेना में, डिफरेंट लाइट स्पेक्ट्रम में, स्टोमेटल ओपनिंग के हिसाब से ट्रांसपिरेशन का जो जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा लाइट है तो ये स्टोमेटा, ये जो ट्रांसपिरेशन है ये कम हो सकती है, अगर ज़्यादा हारिश है,
लेकिन ओवरऑल ट्रांसपिरेशन डे में होता है और नाइट में ये बंद हो जाता है. सो दैट वी कैन से कि लाइट के हिसाब से इट इंक्रीज ट्रांसपिरेशन बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. तो ओवरऑल हम इसको देखें कि लाइट इंक्रीजेस और टेम्परेचर अगर भी देखें तो सबसे पहले हमारा लाइट ओवरऑल इसको देखें ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करता है. सेकंड हमारा टेम्परेचर ये भी देखें इसको इंक्रीज करता है क्योंकि कम टेम्परेचर पे ये ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है एंड इन हैवी टेम्परेचर जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ज़्यादा हमारा ट्रांसपिरेशन होगा. अब हमारा इसके बाद ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी मतलब जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो सैचुरेटेड है, उसमें नमी कितनी है, उसमें पानी कितना है. अगर उसमें पानी ज़्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ट्रांसपिरेशन कम होगा. अगर ह्यूमिडिटी कम है बाहर में, यानी बाहर में अगर जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर वाटर वेपर्स या वाटर जो उसमें होता है जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, चाहे रिलेटिव हो एब्सोल्यूट हो जो भी है, अगर वो ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा. तो इट इज़ लाइक दिस विद इंक्रीज ये डिक्रीज होता है. ठीक है, तो फोर्थ देन वी हैव विंड. देखिए विंड की बात करें, जो लीफ होता है, अगर एक लीफ है उसके बाहर में एक वाटर है, यहाँ से ट्रांसपिरेशन तो नहीं होगा क्योंकि बाहर तो वाटर ऑलरेडी ज़्यादा है और विंड ने इसको अपने साथ लिया है, वाटर को यहाँ तक लाया. तो बिकॉज ऑफ विंड बाहर का जो एटमॉस्फेयर था जिसमें पानी था वो दूसरे साइड में चला गया और यहाँ पे ड्राई विंड आ गया तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा. तो हम ये कह सकते हैं विंड के साथ साथ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा क्योंकि वो बाहर का जो अगर बाहर की जो नमी है उसको अपने साथ ले जाता है और ड्राई विंड आ जाता है वहाँ पे, तो ये इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन अगर विंड बहुत स्पीड में है तो बिकॉज ऑफ हाई स्पीड ये इंज्योर कर सकता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है एंड दैट डिक्रीजेस ट्रांसपिरेशन. तो डिपेंड करता है विंड किस प्रकार का है, स्पीड का किस इसमें स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है और इसकी ड्राइनेस में कितना. अगर ड्राई ज़्यादा विंड आ रहा है तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा और फिर अगर स्पीड में ज़्यादा है तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे. तो दिस इज व्हाट इज विद कंसर्न विद विंड. वी हैव मेनी मोर फैक्टर्स लाइक वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स हम फिफ्थ पे लिखेंगे एटमॉस्फेरिक पी. अगर बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, ट्रांसपिरेशन कम होगी. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है मतलब बाहर प्रेशर कम है, अंदर में वाटर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर के वाटर का जो वेपर है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि बाहर प्रेशर कम है. अगर एटमॉस्फेयर में दबाव ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, वो स्टोमेटा को बंद कर देता है तो ट्रांसपिरेशन डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी. तो इट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हम ये कह सकते हैं कि लो प्रेशर जब होता है एटमॉस्फेयर में इट इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन, इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर डिक्रीजेस ट्रांसपिरेशन. सिंपल. तो ये हमारा फिफ्थ फैक्टर था. ठीक है, ये तीनों सारे फैक्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान इसमें ध्यान दीजिए. फिर हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ठीक है, वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अगर प्लांट में वाटर अवेलेबल ज़्यादा है ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, जैसे मैंने कहा ये सर्कुलेशन टाइप का है. अगर वाटर प्लांट में कम है तो ट्रांसपिरेशन डेफिनेटली तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर प्लांट को करना ही है. अगर सॉइल में वाटर ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, अगर कम है तो कम ही होगा. इसके बाद हमारा है कि लीफ का जो एरिया है हम कह सकते हैं वो दैट्स व्हाट्स कॉल्ड लीफ आर ट्रांसपायरिंग एरिया. सो वी हैव अनदर दैट्स लीफ आर ट्रांसपायरिंग एरिया, यानि सेवन्थ लीफ एरिया. अगर लीफ आर ट्रांसपायरिंग एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन, कम है तो कम ट्रांसपायरेशन. इसमें तो कोई दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इन चीज़ों को आप याद करें, याद रखें मैं क्या कह रहा हूँ. इसके बाद हमारा रूट शूट रेशो. ठीक है, रूट शूट रेशो. तो रूट शूट रेशो मीन्स रूट शूट रेशो क्या होता है कि अगर रूट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शूट, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा. सीधी सी बात,
नाइन्थ देन वी हैव स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब अगर स्टोमेटा की फ्रूगेंसी क्या है, कौन सा प्लांट है, क्या अपर सरफेस भी स्टोमेटा है, नीचे भी स्टोमेटा है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्टोमेटा किस टाइप का है, कितने फ्रीक्वेंसी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो देर इज अ डायरेक्टली रिलेशनशिप। देन वी हैव हीयर, जो हीयर होते हैं लीफ पे, अगर वो ज़्यादा है तो कम ट्रांसपिरेशन होगा, अगर वो कम है तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है, और देन वी हैव व्हाट्स कॉल्ड क्यूटिकल। देखिए अगर क्यूटिकल ज़्यादा थिक है ट्रांसपिरेशन कम हो सकता है, अगर कम क्यूटिकल है ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। इसके बाद वी हैव ट्वेल्थ लीफ ओरिएंटेशन। लीफ ओरिएंटेशन मीनिंग अगर लीफ इस तरह से है, इसमें सीधे सनरेज आ सकते हैं, तो बिकॉज ऑफ दो सनरेज इसका जो ट्रांसपिरेशन वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर लीफ इस तरह है, वर्टिकली है, तो इस पे क्या होगा फिर प्रॉब्लम, इसमें लाइट का जो सनरेज होते हैं वो कम आ जाएंगे, इसमें ट्रांसपिरेशन का हम कह सकते हैं कम हो जाएगा। तो जो हमारे पास वर्टिकली प्लेसड लीफ है या हैंगिंग लीव्स है वो लेस रेडिएशन रिसीव करते हैं, तो इसमें ट्रांसपिरेशन का लेस होता है। ठीक है, इसको आप फिर से आप समझें। देखिए लीफ का मैं अगर ये हम मेरे पास ये एक दिस इज व्हाट कैन बी कंसीडर्ड एज लीफ। अगर लीफ इस तरह है तो सरफेस सीधी है, इस पर सन के रेज आ जाएंगे, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो दिस इज इसकी एक मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन बता रहा हूँ। अगर लीफ वर्टिकल है, यानी इस तरह लीफ है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सरफेस तो यहाँ है और पीछे सरफेस है, सनरेज तो यहाँ से आने हैं, तो यहाँ से कुछ लीफ को कुछ होगा नहीं, यहाँ से आने चाहिए थे, तो सनरेज यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, इस पे नहीं पड़ेंगे, तो दैट मीन्स वर्टिकली जो हैंगिंग लीव्स होते हैं उन पे रेडिएशन कम पड़ता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो इस तरह प्लेसड होते हैं उन पे रेडिएशन डायरेक्ट सरफेस पे पड़ता है, लेमिना पे, लिए ब्लेड पे रेडिएशन पड़ते हैं, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाता है। एक हमारे पास प्लांट है कंपास प्लांट, जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऑलरेडी होता है। सपोज इफ़ दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, ये इस डायरेक्शन में ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, दिस इज़ कंपास प्लांट। इसमें क्या होता है, इसमें सुबह सवेरे यहाँ से इसको रेडिएशन पड़ती है, फिर दिन पूरे दिन में इसको रेडिएशन नहीं पड़ती है। फाइनली जब सूरज डूब जाता है, जब वो वेस्टर्न की वेस्ट साइड में चला जाता है सूरज, तो उस शाम के टाइम पे भी इसको यहाँ से रेडिएशन पड़ते हैं। तो सुबह के टाइम पे यहाँ से रेडिएशन पड़ते हैं, शाम के टाइम पे इसको यहाँ से रेडिएशन पड़ते हैं। पूरे दिन में जब दिन में सूरज चलता है इस तरह इसका मूवमेंट होता है, जो भी होता है, इफ वी टेक इन दैट वे, तो इसमें रेडिएशन नहीं पड़ते हैं। तो इट रिसीव्स मैक्सिमम रेडिएशन ऑन मॉर्निंग, एट मॉर्निंग एंड देन एट इवनिंग टाइम पे, दिन में नहीं होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट विद रिगार्ड टू व्हाट कैन बी कॉल्ड कंपास प्लांट। फॉर एग्जांपल लैक्टुका, सिकेरियोला, सिल्फियम, लेसनिएटम, इस तरह में उन प्लांट्स में ये होता है। तो मीन्स उसमें ट्रांसपिरेशन सुबह शाम ज़्यादा होता है और पूरे दिन में ट्रांसपिरेशन कम होता है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को आप देखें, सारे फैक्टर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स डीलिंग विद ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन सिंपल सी, हाँ जी सिंपल, हमने एक्सपेरिमेंट बताया, ये हमने बताया किस तरह मेजर करते हैं इसको। और देन वी कैन हैव दिस पोटोमीटर, पोरोमीटर, ये सब इसमें आ जाता है। देन वी हैड कोबार क्लोराइड पेपर टेस्ट एंड ऑल दैट। विद दिस आई कंक्लूड दिस टॉपिक ऑफ ट्रांसपिरेशन। होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई प्रश्न है प्लीज़ ज़रूर पूछें। थैंक यू।